है एवरी वन हेअर्स अ क्वेश्चन ऑन रॉल्स लॉ इट सेज दैट एट अ सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉम इज मेजर टू बी पॉइंट वन वन एट ही एम ठीक है यहाँ पे प्योर जो क्लोरोफाम की बात कही गई है सो so क्लोरोफॉम जो इसमें दिया गया है वो एक सॉल्वेंट है ठीक है सपोज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेर बाय मिकसिंग 91.7 ग्राम ऑफ क्लोरोफाम है ठीक है इतना क्लोरोफार्म लिया एंड 78.1 ग्राम ऑफ एसिटाइल ब्रोमाइड हमने लिया ठीक है उसे मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया नाउ वी हैव टू कैलक्युलेट द पार्शल प्रेशर ऑफ क्लोरोफाम वेपर अबव द सोलूशन जो ये नाउ सॉल्यूशन बना जिसमें कि क्लोरोफॉर्म एंड एसिटाइल ब्रोमाइड है ठीक है ये सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर्स बनेंगे क्लोरोफॉम के उसका वेपर प्रेशर हमें निकालना है ठीक so, है सो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू रॉल्ट लॉ और इसे कैसे करेंगे देखना ध्यान से अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ़ द क्लोरोफॉर्म ऑफ द एनी सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन टू मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कि अगर यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि क्लोरोफॉर्म का प्रेशर इन द सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म का क्या प्रेशर है वो ये हो गया पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू वो किसके इक्वल हो जाएगा जो क्लोरोफॉम का प्योर में प्रेशर होगा इन टू उसे मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरोफॉर्म के ही मोल uh, फ्रैक्शन uh, के साथ ठीक है नाउ पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द सॉल्यूशन ठीक है जो कि पी हो गया जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है पी नॉट सॉल्वेंट क्या हो गया प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि प्योर क्लोरोफॉर्म का प्रेशर हमें गिवन है वो कितना गिवन था आपका दैट इज़ पॉइंट एटीएम जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन था नाव एक्स जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट वो भी हमें निकालना है ठीक है अब वैल्यूज को यहाँ पुट करके हमारा पी सॉल्यूशन निकल सकता है जो कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में निकालने को ना इसे एक्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है ठीक है और जो एसिटाइल ब्रोमाइड है वो क्या हो जाएगा सोल्यूट हो जाएगा एक्स क्लोरोफॉर्म इक्वल्स टू कितना हो गया अब देखो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसे निकालेंगे क्लोरोफॉर्म का एन क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफाम जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसी के नंबर ऑफ मोल्स पहले कि डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जैसे कि एन क्लोरोफाम आ जाएगा प्लस एन एसिटाइल ब्रोमाइड आ जाएगा ठीक है न हमें ये सेपरेटली कैलकुलेट करना है क्लोरोफाम एंड एन एसिटाइल का न यहाँ पर देखो एन क्लोरोफाम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो क्लोरोफाम है क्लोरोफॉम है वो कैसे निकलेगी आपके पास एन इक्वल्स टू क्या होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास ना गिवन वेट कितना है क्लोरोफॉर्म uh, का जो गिवन है नाइन्टी वन पॉइंट सेवन ग्राम एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द क्लोरोफॉर्म कितना होगा वन वन नाइन पॉइंट थ्री एट ग्राम पर मोल हो जाएगा ठीक है और इसे कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना निकलेगा पॉइंट सेवन सिक्स एट वन मोल ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म ना क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटाइल ब्रोमाइड चाहिए हमारे पास तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटाइल ठीक है एसिटाइल ब्रोमाइड कितना आ जाएगा अगेन वही फार्मूला है गिवन मास ऑफ द एसिटाइल ब्रोमाइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द एसिटाइल ब्रोमाइड गिवन वेट आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में सेवेंटी एट पॉइंट वन नाइन ग्राम गिवन था ठीक है नाउ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द एसिटाइल ब्रोमाइड ये आपने कंसल्ट करना है करना है दैट इज वन ग्राम पर मोल दैट कम्स आउट टू बी पॉइंट सिक्स थ्री फाइव मोल ऑफ एसिटाइल ब्रोमाइड दोनों के हमारे पास मोल हो गए नाव फ्रॉम दिस वी विल कैलकुलेट द एक्स क्लोरोफॉर्म दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म नाव दिस एक्स क्लोरोफॉर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म विल बी पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर एंड क्लोरोफॉर्म कितना है पॉइंट सेवन सिक्स एट वन मोल है ठीक है एंड एन क्लोरोफॉर्म दोबारा रिपीट करो क्योंकि पुट कर रहे हैं वैल्यूज मोल ठीक है प्लस एसिटाइल ब्रोमाइड के कितने निकले हैं आपके पास नंबर ऑफ मोल्स पॉइंट सिक्स थ्री फाइव मोल नाउ इसे ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा पॉइंट फाइव फोर सेवन फोर देखो अब मोल से मोल कैंसिल हो गए इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है इट इज़ अ यूनिट लेस क्वान्टिटी ठीक है ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म निकल गया ना अब क्या करना है हमें जो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक्स सॉल्वेंट इन टू पी नॉट सॉल्वेंट था उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है हमें पी सॉल्यूशन निकालना है सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म कितना है क्लोरोफॉर्म का प्रेशर कितना है वो निकालना है तो वैल्यूज पुट कर देंगे अब ये कितनी आ जाएगी जो पी पी सोल्यूशन सोल्यूशन में कि आपका क्लोरोफॉर्म कितना है वो कितने के इक्वल होगा क्या था एक्स सॉल्वेंट था ना एक्स सॉल्वेंट कितना आ गया एक्स क्लोरोफॉर्म आ गया आपके पास ऐसे लिख लेती हूँ अगर समझ नहीं आ रहा आपको क्लोरोफॉम ठीक है क्लोरोफॉम का मोल फ्रैक्शन इन टू पी नॉट ऑफ द क्लोरोफॉर्म पी नॉट ऑफ द क्लोरोफॉर्म मीन्स की प्योर प्योर uh, जो क्लोरोफॉर्म है उसका प्रेशर कितना आया है ना पुट करेंगे वैल्यू तो सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म कितना आएगा वैल्यू पुट कर दो पॉइंट फाइव फोर सेवन फोर इन टू प्योर जो क्लोरोफॉम है उसकी वैल्यू कितनी थी कितना प्रेशर गिवन था पॉइंट वन वन एटी एम ठीक है तो वही वाला हम यहाँ पे पुट कर देंगे पॉइंट वन वन जो प्योर प्योर फॉर्म में प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का दैट इज़ पॉइंट वन वन एटीएम देखो जो यहाँ पर एक्स सॉल्वेंट है मोल फ्रैक्शन है वो तो यूनिट लेस क्वान्टिटी है और इसके यूनिट्स हमें ए टी एम दिए है सो so, जो प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द सोलूशन पार्शल प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द सोल्यूशन निकलेगा वो कैलकुलेट करके निकला पॉइंट जीरो सिक्स जीरो टू वन एंड यूनिट्स विल बी सेम एज़ गिवन दैट इज़ ए टी एम सो हमारे पास जो आंसर आया वो इतना आया और ये क्या है ये इतने पार्शियल प्रेशर पार्शियल क्या है ये पार्शियल प्रेशर ठीक है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉम क्लोरोफॉम इन इन दी, दी सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ़ क्लोरोफॉर्म कितना है वो हमारे पास ही आ गया थैंक यू फॉर वाचिंग डू लाइक एंड सब्सक्राइब